नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सालासर कस्बे में होटल परमेश्वरी के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर जय वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों का भी अहम योगदान है। सफाई कर्मचारी कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी पर डटे हुए हैं। कोरोना फाइटर्स सफाई कर्मचारियों के सम्मान में होटल परमेश्वरी सालासर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। सफाई कर्मियों के सम्मान समारोह में राम बिहारी जी पुजारी ने वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर राखी तिलक कर शॉल साड़ी दुपट्टा मिष्ठान दक्षिणा देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि अलवर से संत बालकदास महाराज, आजनेय योग संन्यास आश्रम से गोविंदानंद गिरी महाराज, गजेंद्र ज्ञानपुरिया, अजमेर सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक भरतपुर अतिथि को माल्यार्पण कर शॉल दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया। लक्ष्मी नारायण पुजारी ने कहा कि प्रत्येक सफाई कर्मचारी एक योद्धा की तरह है और हमें उनका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण पुजारी, राम बिहारी पुजारी, विष्णु पुजारी, बसंत पुजारी, पंडित जगदीश शर्मा, पंडित मुरली शर्मा, अभय शर्मा, यश शर्मा, हेरम पुजारी, वेदांत पुजारी, वरिष्ठ शर्मा आदि उपस्थित थे। ये जय श्री बालाजी की। आज हमारी होटल का दूसरा साल पूर्ण हुआ है। तीसरे साल में हमारी होटल प्रवेश कर रही है। इस अवसर पे अब की बार हमने हमारे जो सफाई कर्मी हैं वाल्मीकि समाज के, जिनका एहसान हम कभी भी ऋण से ऊर्ण नहीं हो सकते, ऐसे व्यक्तित्वों का यहाँ सम्मान करके हम लोग एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। मैं आए हुए मेरे सारे वाल्मीकि समाज को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ। मेरे मित्रों, आपको समय नहीं है, हम न सफाई करते हैं न कोई मरे हुए जानवर को उठाने का हमें मादा है। ये सारा कार्य ये समाज अपने कंधों पे लेके आदिकाल से चल रहा है। पहले हमारे घरों में इनकी जो इज्जत होती थी, उस इज्जत को संदेश है कि हम सब लोग भारत माता के ही पुत्र हैं और उसकी सेवा के लिए हम सब सत्पर हैं। जिसको जैसी जिम्मेदारी मिली है वो अपने पार्ट को अदा करता है। तो इसलिए समाज में जो विसंगति है, जो छुआछूत का एक बहुत बड़ा एक समाज में कोड एक कलंक लगा हुआ है, उसको एक इस कार्यक्रम के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सब लोग उस परमपिता परमात्मा की एक ही संतान है। लेकिन किसी कालखंड के कारण इस देश को जब गुलाम रहा तो उस कारण से लोगों ने ये ऐसे कोड इसमें ला के डाल दिए, जिस कारण से समाज एकता नहीं होता है। इस कारण से सबसे बड़ा कारण ये है कि अपन समाज में सामाजिक समरसता का जो कार्य होने वाला है, सब लोगों में समता के भाव के द्वारा सब लोग एक जगह बैठे, एक जगह मन में हो, तो सब ही अपने भाई हैं। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, तो सब भाई एकत्व की ओर आकर के और सभी लोग भारत माता के लिए अग्रसर होने के लिए इन वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं और उन सबके माध्यम से ये संदेश समाज को दे रहे हैं कि सब लोगों में छुआछूत और भ्रम की जो बीमारी है वो दूर हो और सब लोग मिलकर के भारत माता के लिए कटिबद्ध होकर के अग्रसर हों। आज श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया। इसमें एक अभूतपूर्व आयोजन है, क्योंकि जिसको हम लोग उपेक्षित मानते थे, जिसको हम लोग एक तरह से तिरस्कृत रूप में देखने का प्रयास लोगों ने किया और लोगों ने हमारे बीच में वो भाव मतभेद किया, उस दूरी को नज़दीक लाने में लक्ष्मी नारायण जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ एक श्रद्धापूर्वक इनको सम्मानित किया गया, केवल आडंबर या दिखावे के रूप में नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा अपने आप पे महत्व रखता है। आज का दिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए, यहाँ सालासर क्षेत्रवासी सभी लोगों के लिए एक ऐसा समय है कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हमारे देश में जो विसंगतियाँ फैली हुई हैं जाति पात के नाम पर, उनमें जो समन्वय लाना आज के लिए एक आदर्श के रूप में है। क्योंकि इस क्षेत्र में
इस तरह की बहुत सी विसंगतियाँ रही हैं और उनमें इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो प्रथम सोपान प्रथम पद है आज वो लक्ष्मीनारायण जी द्वारा आरम्भ किया गया। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ लक्ष्मीनारायण जी का, अधर हुए महाराज श्री का एवं महेंद्र सिंह जी का, सभी लोग जो यहाँ आए हैं और इस काम में जो सहयोग दे रहे हैं। ये सब लोग की जो प्रेरणा कि हमारे समाज में